छुरु आबियाजी मारे दिन घड़ी दिन भा दयालु घरे ये कृपालु घर आबियाजी मारे दिन घड़ी दिन भा ऊंची पाड़ शब्द की जी वो संतो नीचो जमना ऊंची पाड़ शब्द की संतो नीचो जमना ए ऊंचो चढ़ने जो भी योगी ऊंचो चढ़ने जो भी योगी ए कहो दिस दिखिर कबीर सतगुरु आविला जी अरे सतगुरु आया पावड़ा परमेश्वर आया पावड़ा सतगुरु आया पावड़ा रे परमेश्वर आया पावड़ा भक्त रे घर में शिष्य रे घर में गुरु महाराज गुरुदेव रा पगल्या हो जावे तो भक्त रे मन में जो खुशी है संत महात्मा उन खुशी ने अपने शब्दों में लिखी अरे आज रे आनंद भयो मारा सतगुरु आया पावड़ा आया पावड़ा परमेश्वर आया पावड़ा
गुरुदेव रो आगमन हुए, भक्त मन में बड़ी खुशी हुई। गुरुदेव ने आसन पर विराजमान किया और गुरुदेव ने चौकी चौकी गहरी गहरी मनवाना करे, बोले चोखा रंदावु ऊंचिला, चोखा रंदावु ऊंचिला ऊपर घिरत खलावना, चोखा रंदावु ऊंचिला रे ऊपर घिरत खलावना, खीर खांडरा इमरत भोजन संतों ने जी मावना, खीर खांडरा इमरत भोजन संतों ने जी मावना, सतगुरु आया पावना परमेश्वर आया पावना, सतगुरु आया पावना रे परमेश्वर आया पावना, आज रे आनंद भयो मारा दाता आया पावना, आज रे आनंद भयो पर सतगुरु आया पावना। मथुरा जी में कंस मारियो, मथुरा जी में कंस मारियो लंका में जी रावणा, मथुरा जी में कंस मारियो लंका जी में रावणा, बलि के द्वारे आप पधारा पावन रूप धरावना, बलि के द्वारे आप पधारा पावन रूप धरावना, सतगुरु आया पावना परमेश्वर आया पावना, सतगुरु आया पावना रे परमेश्वर आया पावना, आज रे आनंद भयो मारा दाता आया पावना, आज रे आनंद भयो मारा दाता आया पावना। भजन में विराजमान सभी महानुभाव गौर से सुने, ध्यानपूर्वक सुने आप सभी लोग। भक्त शिरोमणि मीराबाई लिखियो कि गुरुदेव ने चरणों में 68 तीर्थों फल, आदमी हरिद्वार जाओ, आदमी चार धामरी यात्रा कर लो, परंतु यदि सच्चे मन से गुरु महाराज ने गुरुदेव ने चरणों में आदमी अपनी भक्ति कर ले तो सभी प्रकार के तीर्थों फल श्री गुरुदेव ने चरणों में है। इन प्रकार की बात भक्त शिरोमणि मीराबाई लिखी है, बोले अरे 68 तीर्थ सतगुरु चरण, सत तीरथ सतगुरु शरण गंगा जी ने नावना, सत तीरथ सतगुरु शरण गंगा जी ने नावना, गुरु शरण भाई मीरा बोले अरे कनिरथ गुण गावना, सतगुरु शरण मीरा भाई बोले अरे कनिरथ गुण गावना, सतगुरु आया
आनंद भयो भरा दाता।